इंदौर के गंगलवाल बस स्टैंड के पास 35 वर्षीय से स्थित काला माता मंदिर में नवरात्र का उल्लेखनीय देखने को मिल रहा है। सुबह से शाम तक मंदिर में भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए पहुंच रही है। आकर्षक विद्युत सज्जा से जगमग हो रहा है मंदिर। इंदौर के गंगवाल बस स्टैंड के पास स्थित है, जहां 35 साल पहले राजौरिया परिवार ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। निर्माण से लेकर आज तक इस मंदिर में प्रतिदिन भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन शारदीय नवरात्रि में भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर मंदिर पहुंचते हैं और माता के सामने अपनी मुरादें पूरी करने की अर्जी लगाते हैं। माता रानी की तो मान्यता इतनी कि आप सोच नहीं सकते हो। हमको 35 साल हो गए मंदिर में आते आते, और हर नवरात्रि में हर दिन आते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं। बहुत चमत्कार हुआ, बता नहीं सकते क्या क्या चमत्कार हुआ। माता रानी ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, बस आप सोच नहीं सकते। माता रानी तो सिर्फ साक्षात है परमेश्वरी, सब उसी की कृपा है, उसी की कृपा से सब कुछ चल रहा है। उसने वो दुनिया कहाँ से कहाँ बिठा दिया। आपका नाम है? सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को जय माता दी। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। दो साल के कोरोना के बाद जो भक्तों में आस्था बढ़ी है और जो भीड़ देख रहे हैं मंदिरों में, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शिवाजी चौहान का, जिन्होंने गरबे की परमिशन दे दी, अपने हिंदू धर्म को कम से कम जीवित कर दिया। तो नवरात्रि के चौथे दिन केला माता मंदिर में प्रतिदिन 56 भोग लग रहे हैं, और नन्ही नन्ही बालिकाओं द्वारा कोविड का पालन करते हुए, सैनिटाइजर का छिड़काव करते हुए 10:30 बजे तक गरबे चल रहे हैं, और भक्तों को बड़ा